ये तो ये दरबार हम एंटर होने जा रहे हैं। कैसे हो, वेलकम टू न्यू वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज हम जा रहे हैं नैना देवी माता के दर्शन करने, जैसे कि मैं हर बार जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि फाइनली फिर हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम तुम्हें मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना ब्लॉग, तुम लोग एंड तक देखते नहीं हो, मेहनत इतनी करते हैं। अगर कोई गर्लफ्रेंड की वीडियो होती है तो तुम लोग पूरी देख के जाते हो मेरी, ठीक है। तो इसी करके सपोर्ट कर। हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं नैना देवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हमने सोचा कि अपने दोस्तों को व्यू दिखाएगा बहुत अच्छे से, जो हमारे ऑडियंस हैं हमारे लिए, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ का व्यू। और यहाँ ये पड़ता है हिमाचल के एरिया में, ठीक है। तो ये जो है हिमाचल के एरिया में पड़ता है, ये नैना देवी की माँ के जो दर्शन करने आते हैं। तो कभी आओ तो आराम से लोकेशन लगा के आ सकते हो। और पहाड़ों के टाइम में नज़र रखना सबसे ज़्यादा बिरको पे, क्योंकि कल को ये ना हो कि आप बिरको पे नज़र ना रखो तो मतलब कि कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो संभल के आना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर मनोकामना पूरी होती है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करते हैं, मिलते हैं हम तुम्हें नैना देवी माँ के दर्शन कराते हैं, ऊपर के लिए चलते हैं। तो सपोर्ट आ गए हैं नैना देवी माँ के ऊपर दर्शन करने के लिए। देख सकते हो पीछे का व्यू बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त दिख रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए लेके चलता हूँ नैना देवी माँ के दर्शन कराने के लिए। और इधर वो सबसे ज़्यादा भीड़ है और इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। अब हम इधर से जाएंगे तो हम तुम्हें दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आगे का नज़ारा देख सकते हो भाई, यहाँ पे पलकियाँ चढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो देखो ये पलकियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो कितनी कितनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा है भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है नज़ारा यहाँ पे, आओ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा यहाँ पर। ऊपर आ चुके हैं नैना देवी माँ के दर्शन कराने के लिए। तो जैसे मैंने तुम्हें नीचे घुमाया था, और ये देखो घंटी बजा दो। इस किसी ने दर्शन नहीं किए हैं नैना देवी माँ के दर्शन की, तो कर लें दर्शन। तो वही फाइनली प्रसाद हमने ले लिया है, ठीक है। तो वही प्रसाद चढ़ाएंगे हम तुम्हें मिलेंगे। पैसे तो इधर से भेजते हैं, ठीक है, इधर से नहीं तो इस भीड़ कम है, तो भीड़ के कारण हमें इधर से भेज रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रसाद हमारे हाथ में है, भीड़ देखो भीड़ कैसी है यहाँ पे, दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हम बिल्कुल पास ही में आ गए दर्शन कराने के लिए। ये हमारे साथ प्रसाद है, हम अंदर जाके मिलेंगे तुम्हारे लिए। बने रहना वीडियो में एंड तक देखना, हम वीडियो को चालू रखते हैं अंदर, तो वीडियो शूट करने नहीं देते, हो सके वीडियो शूट करिए तो अंदर हम जरूर दिखाएंगे तुम्हारे लिए। Thank you.
फाइनली हम तुम्हें इस गेट से निकलते हुए मिलेंगे, ठीक है? तो हमारे लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ये तो ये दरबार हम एंटर होने जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे हवन चल रहा है, यहाँ पे हवन भी होते हैं। दर्शन करने के लिए कितनी सारी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं, लाइन में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, मेरे को अंदर का व्यू नहीं दिखाऊंगा, तो मैंने बाहर का पूरा व्यू दिखाई, कोशिश की थी तुम्हारे लिए दिखाने के लिए। तो अब हम चलते हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम काफ़ी लग चुका है और यहाँ पर काम भी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर रगड़ाई चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पे हर एक चीज़ मांगोगे अपने दिल से, हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है? अपने सच्चे दिल से मांगोगे तो सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी तुम्हारे लिए, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आओ, बहुत अच्छे से यहाँ पे रुकने की भी जगह है, यहाँ पे रुक भी सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हवन चल रहा है, इसमें लाल वाले में इसमें हवन चल रहा है, पीपल का पेड़ देख सकते हो। पहले ये सब कुछ नहीं होते थे, ये अभी मतलब कि किए हैं, ये सब जितनी जगह है ये अभी सुंदर हुई है, ठीक है? ये बैठे हैं मिलो इनसे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर के लिए, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो देखने के लिए, ठीक है? वीडियो आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया आपकी वीडियो आएंगी, ठीक है? तो ये हमारा कुछ बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे है। चुके हैं बाहर, हम इधर से एंटर हुए थे, तो मैंने तुम्हें बताया हम इधर से एंटर हुए थे, ठीक है? तो हम इसी जगह पे फिर से आ गए हैं, तो हम चलते हैं घर के लिए, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, हम पहनते हैं जूते, जूते पहनने के बाद फिर मिलते हैं तुम्हारे लिए। फिर तो देख रखो जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है? तो हम ले लेते हैं अपने जूते, फिर मिलते हैं अपने जूते पहनने के बाद।